आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 21 दिसंबर की शाम भागलपुर आएंगे और 22 दिसंबर को 9:30 बजे सुबह भागलपुर के महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट पहुंचेंगे। वहां महर्षि मही आश्रम में रह रहे आचार्य एवं साधु सन्यासियों से मिलकर कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही महर्षि मही पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म महर्षि मही एक व्यक्तित्व एक विचार का लुकआउट भी जारी करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है और पुलिस विभाग ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि यह जानकारी अखिल भारतीय संतमत सत्संग महासभा महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने दी है। देखिए, वो जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं और उनका जो आगमन 21-22 तारीख को उनका प्रोग्राम है भागलपुर में, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भी उनके सुरक्षा के मानक हैं उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। जो भी रूट्स हैं जिसको वो फॉलो करेंगे उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। रूट लाइनिंग के लिए पूरी रूट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कितने बलों की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। हाँ, वो सब ASL होगा जिसमें कि पटना से भी ऑफिसर्स आएंगे और सारे जो रूट्स हैं कार्यक्रम स्थल हैं उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। उसमें जो भी पदाधिकारी बल लगाना होगा वो भागलपुर पुलिस की तरफ से लगाया जाएगा। भागलपुर महर्षि मही आश्रम कुप्पाघाट परिसर में मंगलवार को महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं पावन जयंती को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बिहार के सभी जिलों के अलावा दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पंजाब, बदायूं और नेपाल समेत देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे गुरुसेवी और सत्संगियों ने इस शोभा यात्रा में शामिल होकर गुरु को नमन किया। शोभा यात्रा की अगुवाई स्वामी पंकज बाबा ने की, जबकि सफलता के लिए आश्रम के साधु महात्मा के साथ महामंत्री कृष्ण कुमार यादव, उपाध्यक्ष मंत्री मनु भास्कर, व्यवस्थापक अजय जायसवाल, विद्यानंद बाबा, कार्यपालक प्रभारी अमित कुमार समेत आश्रम से जुड़े गुरुभक्त और श्रद्धालुओं ने शिरकत कर जयंती समारोह में हिस्सा लिया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान 3 जगहों पर सेवा शिविर में श्रद्धालुओं के बीच जल, शरबत और फल का वितरण किया गया। इधर भागलपुर प्रशासन की ओर से यातायात प्रभारी, बरारी थाना प्रभारी, वार्ड सदस्य, चीता दल समेत काफी संख्या में पुलिस के जवान की मौजूदगी रही। पंकज बाबा ने बताया कि बुधवार को महर्षि संत सेवी परमहंस जी की जयंती पर आश्रम परिसर में प्रवचन और गुरु के आशीर्वचन समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। परमहंस जी महाराज के 104वीं पावन जयंती शुभ संध्या पर आज शोभा यात्रा निकाला गया है और कुप्पा घाट से होते हुए तिलका मांझी कचहरी और भागलपुर बाजार होते हुए फिर वापस हम लोग जाएंगे और कल महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की 104वीं पावन जयंती समारोह मनाया जाएगा और आज उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए संडिस कंपाउंड में अगर आप अपने परिजनों या सहपाठियों के साथ पार्क का लुफ्त उठाने आ रहे हैं तो आपको स्थानीय प्रशासन से सतर्क होने की आवश्यकता है। दरअसल संडिस कंपाउंड पार्क के भीतर एक युवक युवती को बैठना इस कदर महंगा पड़ गया कि दोनों इस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हुआ यूं कि पार्क में बैठे दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे थे तभी तिलका मांझी थाने के पुलिस ओडी ऑफिसर जियाउल हक के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और उनसे पूछताछ करना शुरू कर दिया। हालांकि पूछताछ के क्रम में एक युवक युवती ने पुलिस का सहयोग किया लेकिन पुलिस ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए दोनों को थाने ले जाने की बात कही जिस पर युवती काफी भयभीत हो गई और वहां से भागने लगी। लेकिन पार्क के भीतर मौजूद एक महिला सिपाही ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और लड़की की पिटाई करनी शुरू कर दी। लड़की रोते हुए बार बार महिला पुलिसकर्मी से अपना कसूर पूछते रही पर महिला सिपाही वर्दी के अकड़ में मदमस्त होकर युवती के गाल पर तमाचे जड़ती रही। हालांकि बाद में जब लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई तो पुलिसकर्मियों ने युवक युवतियों को डराते धमकाते वहां से तुरंत भाग जाने का ऑर्डर दिया। हालांकि मीडियाकर्मियों द्वारा लड़का लड़की की पिटाई का कारण पूछे जाने पर दरोगा जियाउल हक ने बताया कि उन्हें मामला संदिग्ध लगा जिस कारण उन्होंने लड़के एवं लड़की से पूछताछ की जिसमें दोनों बालिग निकले जिसके बाद उन्हें जाने दिया। वहीं सवाल यह है कि अगर दोनों बालिग हैं तो फिर लड़की की पिटाई करना कहां तक जायज है। वैसे बता दें कि ये पैसा ऐंठने की पुलिस की पुरानी तरकीब है। सैंडिस कंपाउंड में पुलिस वालों का ये मालामाल करने वाला धंधा काफी पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश विकसित भारत अभियान मना रहा है। जहां देश कितनी उन्नति पर है इसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को इससे जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भागलपुर के घंटाघर चौक से विकसित भारत के बैनर तले एक रैली निकाली गई जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहरलाल समेत कई शिक्षकों ने शिरकत की। इसके अलावा रैली में दर्जनों
एनएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोगों के एकत्रित होने के पश्चात यह रैली घंटाघर चौक से तिलका मांझी विश्वविद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में कुलपति जवाहरलाल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष को एक विकसित देश बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसे देखते हुए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत के विकास में हम सभी देश के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद विश्व भर में भारत विकसित कैसे हो, इसको लेकर पहल की जा रही है। 2047 तक भारत विश्व भर के विकसित देशों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर होगा। रैली के दौरान प्रतिकुलपति रमेश कुमार समेत दर्जनों की संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षक और एनएसएस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभियान चलाया गया है कि विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, यानी जो 100वां वर्ष है 2047 में, उस वर्ष हमारा भारत कैसा होगा। उनका उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा। पूरे विश्व को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ ऐसे देश हैं जो अर्धविकसित हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो विकसित हैं। तो हमारा देश अभी विकासशील की श्रेणी में है। 100वां वर्ष 2047 में होगा, तो 2047 का भारत कैसा होगा, इसके लिए उन्होंने टारगेट फिक्स किया है कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टारगेट फिक्स कर दिया कि 2047 तक किसी भी हालत में भारत को विकसित करना है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है ये यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों को क्यों दिया गया है काम, इसलिए दिया गया कि सबसे पहले कोई भी देश तभी विकसित होता है जब शिक्षा के क्षेत्र में विकसित होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जिम्मेवारी किस पर है, विश्वविद्यालय की है, कॉलेज की है, स्कूल की है। इसलिए यह योजना जो है खासकर विश्वविद्यालयों को दी गई है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लैलख रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने के क्रम में एक मजदूर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपनी दीदी के घर कहलगांव से वापस लैलख लौट रहे थे। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने के कारण वह गिर गए और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से मजदूर को रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान सबौर थाना क्षेत्र के ममलखा लैलख निवासी 22 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक धर्मेंद्र ने हाल ही में गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहाँ दीदी के यहाँ गया था कहलगांव, वहाँ से आया यहाँ का जा रहा था भागलपुर फूफा के यहाँ पूजा में, वही ज़्यादा भीड़ भाड़ के चलते से पैर स्लिप खा लिया ना, उसके वजह से अंदर चला गया। कहाँ पे हुआ? लैलख में हुआ, लैलख का स्टेशन पे, स्टेशन में। हाँ, क्या नाम था?
दरविंदर कुमार। क्या उम्र थी? उम्र 21 साल। पिता का नाम है? प्रकाश निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? लेलक। पूरा पता क्या है? ग्राम लेलक पोस्ट में मलखा थाना सबौर जिला भागल। भागलपुर सेंट जोसेफ स्कूल में एक छात्रा के पिता द्वारा स्कूल के प्राचार्य और दो शिक्षकों पर लगाए गए आरोप के मामले में प्राचार्य अमलराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत प्राचार्य अमलराज, स्पोर्ट्स टीचर मुकेश कुमार और प्रिंस यादव के खिलाफ ललमटिया थाना में केस दर्ज है, जिसमें कांड के दो आरोपी शिक्षक मुकेश और प्रिंस को पूर्व में ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था। वहीं सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य अमलराज की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई, पर सोमवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे पन्नालाल की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने फरार अप्राथमिक अभियुक्त प्राचार्य अमल राज के विरुद्ध इश्तेहार भी जारी कर दिया है, जिसे जल्द ही ललमटिया थाना पुलिस प्राचार्य के आवास पर चिपका देगी। बता दें कि इससे पूर्व ललमटिया पुलिस ने कांड के फरार अप्राथमिक अभियुक्त प्राचार्य अमलराज के विरुद्ध कोर्ट से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया था, जिसके बाद मामले में स्कूल प्रबंधन के साथ डायोसिस ऑफ भागलपुर ने भी आरोपी प्राचार्य के पक्ष में अपना बयान जारी किया था। बीते 19 सितंबर को सामने आए इस मामले के दो मुख्य आरोपी मुकेश कुमार और प्रिंस यादव की जमानत याचिका खारिज करने के बाद दोनों आरोपी शिक्षक जेल में बंद हैं, जबकि प्राचार्य अमलराज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाशी अभियान में जुटी है। दरअसल मामले में पीड़ित छात्रा के पिता की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर ललमटिया थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें शिक्षक दिवस को लेकर होने वाले आयोजनों की तैयारी के दौरान स्कूल परिसर में नवीं कक्षा की छात्रा के साथ शारीरिक शिक्षा के शिक्षक और खेल शिक्षक द्वारा कई बार गलत हरकत करने का आरोप लगाया गया था।